यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरा गांव पहाड़ों के बीच में बसा है, घनी आबादी से अलग। हर तरफ बड़े बड़े पहाड़ और घना जंगल। मेरे गांव में जाने के लिए उस टाइम कोई साधन नहीं रहते थे। गांव से 3 किलोमीटर दूर बड़ा रास्ता है, वहां से गांव जाने के लिए कच्ची सड़क थी। गांव के लोग अक्सर पैदल चलकर गांव जाते आते थे। उस रास्ते से जाने वाली वो आखिरी बस थी। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से ही लौट कर आ रहा था। रात का समय था, बस ने मुझे गांव के फाटे पे उतारा था, क्योंकि सड़क से चलकर गांव में जाना पड़ता था। पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले भी मैं बहुत सी बार वहां से पैदल चलकर जा चुका था। पर दिन में मैं अपना सामान उठाकर अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा। उस समय रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। गांव की सड़क पे कोई नजर नहीं आ रहा था। जहां तक नजर जाती, वहां तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। रास्ते की बाजू वाली झाड़ियों से झिंगुर की आवाजें लगातार आ रही थी। रह रहकर जंगली सियार की खौफनाक आवाजें, मानो वो मेरे आसपास ही हो। रास्ते के बाजू में बड़े बड़े बरगद के पेड़, ऐसा लग रहा था मानो बरगद की टहनी पर कोई बैठा है और उसे जोर जोर से हिला रहा हो। उन टहनियों से बड़ी ही डरावनी और खौफनाक आवाजें आ रही थी। इन सब आवाजों के बीच में अकेला अंधेरे को चीरता डर की वजह से भागने लगा। अभी कुछ ही दूर भागा था, तभी रास्ते से सीधा आगे मुझे मेरा दोस्त सोमधर नजर आया। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं यह सोच रहा था कि इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहा है। शायद ये भी किसी गांव गया होगा और लौटने में देर हो गई होगी। उसे आगे चलते देख मुझे बहुत सुकून मिला कि कम से कम मुझे कोई साथी तो मिला। अब मेरा डर कम हो गया था, क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो है मेरे साथ। उसने मेरे पास आके मेरा बैग उठाया और मेरे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि ये इतना चुपचाप क्यों है। ये जब से मुझे मिला है तब से कुछ ही नहीं बोला, क्योंकि मेरा दोस्त सुंदर तो बहुत ही बातें करता है। और इसे अब क्या हुआ, सोचते सोचते मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। हमारा गांव अब थोड़ी ही दूरी पर था, पर अब वो एक दूसरा रास्ता लेके जंगल की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसको कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, कब से देख रहा हूँ बड़े ही चुपचाप हो, और ये जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुझे जंगल की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ही ठंडा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा तब मानो मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। मुझे समझते देर नहीं हुई कि यह मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास की एक झाड़ी में घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगा। हनुमान चालीसा बोलने पर पता नहीं उसे क्या हुआ, वो एकदम से चिल्ला उठा और जंगल में पता नहीं कहाँ चला गया। मैं वहां से भागने लगा। जैसे ही गांव में दाखिल हुआ, मैं रास्ते पे गिर गया और मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी आवाज सुनकर गांव के बहुत से लोग जग गए और मेरी तरफ दौड़ कर आने लगे। जब वो मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया
तो मैं अपने घर पर था। मुझे उठा देख सब घर वाले मेरे पास आए और बोले, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया था? तुम रात को रास्ते पे ही बेहोश पड़े थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने उन्हें अपने साथ जो हुआ वो सब बताया। उस समय मेरा दोस्त सोमधर भी वहां ही था। वो बोला कि मैं तो रात को अपने घर पर ही सो रहा था। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।